आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का दिया है नोटिस। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने का नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने विधानसभा सचिव को भेजा है नोटिस और स्पीकर पद से नहीं देंगे इस्तीफा तो बहुमत से हटाएंगे। बीजेपी की ओर से कहा गया है नोटिस वाले प्रस्ताव में मांझी विजय चौधरी के हस्ताक्षर है, तारकिशोर रत्नेश सदा समेत कई विधायकों के भी हस्ताक्षर है। तो ये बड़ी जानकारी, अगर नहीं देंगे इस्तीफा तो बहुमत से हटाएंगे ये कहा गया है। तो नोटिस में मांझी विजय चौधरी के भी हस्ताक्षर हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब जो पार्टी सरकार बनाती है चाहे जो गठबंधन सरकार बनाती है और उस गठबंधन से स्पीकर नहीं होते हैं, दूसरे गठबंधन से होते हैं स्पीकर, तो उनके लिए अविश्वास या तो स्वतः उन्हें इस्तीफा दे देना होता है, अगर वो स्वतः इस्तीफा नहीं देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है और विधानसभा सचिव को दिया जाता है। तो वही विधानसभा सचिव को बीजेपी और जेडीयू की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के लिए ये पत्र दिया गया है और उस पर अब सचिव को निर्णय लेना है क्या करना है। वो कहेंगे विधानसभा अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा दें, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसके बाद प्रक्रिया ये होती है कि देखा जाता है कि किसके पास कितनी ये विधायकों की संख्या है और वोटिंग के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ये अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में साफ तौर पर ये लग रहा है कि आरजेडी के द्वारा अभी बिना प्रक्रिया हुए ही स्वतः इस्तीफा दे दिया जा सकता है। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर आज क्या हो रहा है, स्वतः इस्तीफा अवध बिहारी चौधरी देते हैं या फिर ये आगे जो निर्णय लेना है विधानसभा सचिव को वो निर्णय लेते हैं। जी शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिहार में नई सरकार